झारखंड की चंपई सोरेन सरकार तो फ्लोर टेस्ट में पास हो गई, अब बारी है बिहार की। बिहार में हाल में बनी एनडीए सरकार की। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर से एनडीए का दामन थामा था। आनंद फानंद में उस दिन नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और उसी दिन दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब इस बार बिहार की नई सरकार के फ्लोर टेस्ट की बारी है, जिसको लेकर बिहार में सियासी हलचल और तेज होती जा रही है। 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार में सत्ता जमाने वाले महागठबंधन के दूसरे सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस ने खरीद फरोख्त को लेकर आशंका के बीच अपने कुछ विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। वहीं एनडीए के अंदर भी कुछ दलों के नाराज होने की खबर है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दो मंत्री पद की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमने दो पद मांगे हैं, इसी की बात हुई थी। इसे लेकर गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा, मुश्किल तो है पर देखते हैं। जीतन राम मांझी की इस मांग को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान का भी समर्थन है। उन्होंने कहा है कि क्या बात हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जीतन राम मांझी को बोला गया था तो उस बात का सम्मान किया जाना चाहिए। भले ही उनके विधायक कम हो, लेकिन वो इस परिस्थिति में बेहद अहम है। सूत्र के मुताबिक कांग्रेस ने 3 विधायकों को छोड़कर सभी विधायकों को रविवार को हैदराबाद भेज दिया। सूत्रों के अनुसार ये विधायक 10 फरवरी तक हैदराबाद में रहेंगे और फिर फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए 11 फरवरी को वापस बिहार लौटेंगे। बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 19 विधायक हैं। हालांकि विधायकों के हैदराबाद जाने पर पार्टी का कहना है कि वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बधाई देने गए हैं, जिन्होंने दिसंबर 2023 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री का पद संभाला था। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि नई सरकार बनी है, हम सभी यहां पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उन्हें बधाई भी देंगे। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी खेला होने की बात कही। उन्होंने कहा कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, अब खेला होगा। बिहार के नेताओं के इन दावों और सियासी सरगर्मी के बीच अब समीकरण पर भी नजर डालते हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए गठबंधन में 128 विधायक हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 और 1 निर्दलीय विधायक है। विधानसभा में बहुमत के लिए 122 का जादुई आंकड़ा छूना जरूरी है। विपक्ष के पास कुल विधायकों की संख्या 114 है, जिसमें सबसे ज्यादा 79 विधायक आरजेडी के हैं, 19 विधायक कांग्रेस के, सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीआईएम के 16 विधायक हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि 12 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में बहुमत अपना साबित कर पाते हैं या फिर यहाँ पे भी कोई खेला हो ही जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।